क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपको धन की समस्या यानी आप पैसों की तंगी से गुजर रहे हैं, हाँ या ना? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि जिस स्पीड से आप पैसा कमाते हैं उससे दोगुनी स्पीड से पैसा खर्च हो जाता है, या जिस तरह पैसा आपके पास आता है उसी तरह पैसा खर्च हो जाता है, हाँ या ना? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपको जितना पैसा कमाना चाहिए था आप उतना पैसा कमा नहीं पा रहे, उतना पैसा बना नहीं पा रहे, हाँ या ना? मुझे ऐसा लगता है कि इनमें से तीनों ही प्रश्नों का उत्तर आपने हाँ में दिया होगा, क्योंकि हम सभी इस बात को जानते हैं कि आज के इस टाइम में पैसा सबसे मोस्ट प्रायोरिटी जो है धन की ही है। अगर आपके पास धन है तो सब कुछ है, अगर आपके पास धन नहीं है तो आपको छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, छोटी छोटी समस्याएं भी आपको बहुत बड़ी लगेंगी। अब और क्या कहूँ, जो लोग बहुत धनवान होते हैं, VIP होते हैं, उन लोगों के लिए तो बड़े बड़े भव्य मंदिर में भी अलग से भगवान के दर्शन करने की व्यवस्था कर दी जाती है। साधारण लोग लाइन में खड़े रहते हैं और धनवान लोग VIP दर्शन करते हैं, VIP पूजा करते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, आप इस बात को जानते हैं, आपने भी कहीं ना कहीं इसे देखा या सुना जरूर होगा। कुल मिला के बात यह है कि कलयुग, मतलब कलयुग में अगर आपके पास पैसा है, धन है, तो हर तरह की सुख सुविधा आपके पास है, इस बात को आप नकार नहीं सकते। जब भी बात धन की होती है तो जन्म कुंडली में हम कौन से ग्रहों को मोस्ट प्रायोरिटी देते हैं? शुक्र, गुरु और चंद्रमा। चंद्रमा जो मन के कारक हैं, लिक्विड के कारक हैं, माँ के कारक हैं, गुरु जो धन के कारक हैं, संतान के कारक हैं, धन के कारक हैं। देवगुरु बृहस्पति धन के कारक हैं, ये बात तो आपको पता होगी। अगर देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में ठीक नहीं है तो भले ही आपकी कुंडली में धनेश और लाभेश कितनी अच्छी स्थिति में हो, आप पैसा नहीं बचा पाएंगे। तीसरा शुक्र, शुक्र क्यों? शुक्र लग्जरी के कारक हैं, लग्जरी मतलब भौतिक सुख सुविधा, विलासिता भरा जीवन। अब आज बात चूंकि जन्म कुंडली की नहीं हो रही, आज बात है एक ऐसे छोटे से उपाय की जो आपको डेफिनेटली करना चाहिए। ये उपाय मुख्यतः प्रेरित है वास्तुशास्त्र से, और इसमें हालांकि न्यूमरोलॉजी का भी कुछ मिश्रण है, लेकिन ये मुख्य तौर पर एनर्जी पर काम करता है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा उपाय है जो आपको करके जरूर करना चाहिए, और इसमें कोई बहुत बड़ा खर्च नहीं है, कोई बहुत बड़ा इसकी विधि नहीं है, और सिंपल सा कॉन्सेप्चुअल इसका जो है मेथड है वो मैं आपको बता देता हूँ। जब भी मार्केट जाइए तो नमक खरीदिए, और नमक कैसा, जो नमक जार में आता है, बॉटल में आता है, दो जार, दो बॉटल नमक खरीदिए, और उसी के साथ एक जार शक्कर खरीद लीजिए। जार छोटे या बड़े हो सकते हैं, उसे अपने किचन में ले आइए। हमारे घर में किचन और वॉशरूम, यही दो ऐसी जगह होती हैं जहां पे सबसे ज्यादा एनर्जी कंडेंस होती है। आपके घर में, अगर आपका घर बड़ा है, तो घर में कोई कोना, कोई कमरा ऐसा हो सकता है जहां पर एक दो दिनों तक या काफी लंबे टाइम तक कोई ना जाए, किसी ने इस्तेमाल ना किया हो। लेकिन वॉशरूम और किचन, ये दो ऐसी जगहें हैं जहां पर आप ये नहीं कह सकते कि यहां पर लंबे टाइम से कोई नहीं गया। कोई कमरा आपके घर में हो सकता है कई दिनों से बंद हो, लेकिन वॉशरूम और किचन नहीं हो सकता। इसलिए ये हाईली एनर्जेटिक प्लेसेस हो जाते हैं हमारे घर में, और एनर्जी आपके जीवन में एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है। नमक जो खाने में दिखाई तो नहीं देता, लेकिन अगर उसकी कमी हो जाए तो आपको पूरा खाना बेकार लगने लगता है। अपने किचन में ढूंढिए उत्तर दिशा, नॉर्थ दिशा, और वहां पर उस नमक के दोनों जार रख दीजिए। ये एक नमक दिखा रहा है हमारी उपयोगिताओं को, कि जो पैसा हम खर्च करते हैं, और एक जार जो उसी के साथ में आपने रखा है जिसको आपने इस्तेमाल नहीं किया, इस्तेमाल क्योंकि आप पहला जार कर रहे हैं। दूसरा जार दिखाता है आपकी सेविंग्स को, कि हम पैसा खर्च कर रहे हैं लेकिन हमारे पास बैकअप के तौर पर दूसरा जार जो है नमक का रखा हुआ है। जब आप नमक खरीदिए दो जार में, उसी के साथ आप एक जार शक्कर भी खरीद लीजिए। शक्कर मिठास, शुक्र, इसे रखना है किचन में ईस्ट साइड। आपके जो किचन है उस किचन के अकॉर्डिंग आपको नॉर्थ और ईस्ट यानी पूर्व दिशा ढूंढनी है। पूर्व दिशा में शक्कर और उत्तर दिशा में नमक। नमक और शक्कर को कभी भी एक साथ नहीं रखना चाहिए, ये दोनों बिल्कुल विपरीत स्वभाव वाले, बिल्कुल विपरीत टेस्ट वाले, गुणधर्म वाले जो है तत्व हैं, इसलिए इनको एक साथ बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। शक्कर को आपने रख दिया पूर्व दिशा में, जहाँ पे, जहाँ से वो एनर्जी फ्लो होती है जो एनर्जी आपको, आपके संबंधों को इफेक्ट करती है। और उत्तर दिशा में आपने नमक रखा, जो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि आप जो खर्च कर रहे हैं उससे उसी के बराबर बैकअप आपने पहले से रखा हुआ है। अब नमक और शक्कर दोनों को ही आप अगर पानी में घोल दें अलग अलग, तो कोई भी उसे सिर्फ देख कर ये नहीं बता सकता कि ये नमक का पानी है और ये शक्कर का पानी है। दोनों ही एक जैसे पानी में घुल जाते हैं। पानी मतलब मन, इसलिए मैंने आपसे शुरुआत में कहा था मन यानी चंद्रमा।
पानी नमकीन भी हो सकता है और मीठा भी हो सकता है। सबसे बड़ी चीज़ ये कि दोनों ही चीज़ें, नमक हो या शक्कर हो, आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जहाँ नमक उत्तर दिशा में रखने की वजह से आपका जो एनर्जी का ओवरफ्लो है, जिसकी वजह से आप पैसा बहुत खर्च कर देते हैं, कभी कभी अपने ही हाथों से इतना ज़्यादा पैसा खर्च कर देते हैं जो बच नहीं पाता, सेविंग्स नहीं हो पाती, आपके पास बैकअप नहीं होता, वो ठीक हो जाएगा। पूर्व दिशा में जो आपने शक्कर का कंटेनर रखा हुआ है, वो वहाँ से फ्लो जो है वो शक्कर के थ्रू आप तक पहुँचेगा। आपके सगे संबंधी, परिवार का वातावरण, आपका, आपके जो वर्कर्स हैं या आप जहाँ जॉब करते हैं उनसे आपका रिश्ता कैसा है, आपका मूड कैसा है, वो उसे ठीक करेगा, यानी शुक्र को ठीक करेगा। बृहस्पति जो धन के कारक होते हैं, कच्ची हल्दी आपने ज़रूर देखा होगा, कच्ची हल्दी जिसे कच्ची टर्मरिक, कच्ची हल्दी बोलते हैं, उसका एक छोटा सा टुकड़ा आपके पास हमेशा होना चाहिए और उसे आप हमेशा अपने किचन में पूर्व दिशा में रखिए, या अगर आप उसे अपने कमरे में भी रखना चाहें तो रख सकते हैं, लेकिन नमक और शक्कर ये किचन में ही रखे जाएंगे। जो ये हल्दी है, इस हल्दी को हमेशा नहाने के बाद इस हल्दी को चंदन की तरह घिसकर इसको अपने सीधे हाथ की अनामिका उंगली से अपनी नाभि पर लगाना चाहिए। नाभि पर लगाने के बाद छोटा सा, मतलब हल्का सा, कि आपको, क्योंकि आप सीधी सी बात है काम करने के लिए बाहर जाएंगे तो आपको सोशल इमेज में कोई प्रॉब्लम ना हो, थोड़ा थोड़ा सा हल्दी आपके दोनों ये वाले पॉइंट्स पर, जो सिर के बिल्कुल जहाँ पे हम बोलते हैं ये जो पॉइंट यहाँ पे ख़त्म होता है, यहाँ पर इन पॉइंट्स में आपको लगाना है हल्का सा, यहाँ और नाभि में। ये जो गुरु हैं, ये हल्दी है, ये रिप्रेजेंट करती है गुरु को, और गुरु जो आपकी नाभि है, बच्चे का जब जन्म होता है तो वो कौन सी चीज़ होती है जिससे वो अपनी मदर से कनेक्टेड होता है हर तरह से, समझ गए होंगे आप, ये इफेक्ट करती है पूरी बॉडी को। देखिए जब हम ज्योतिष शास्त्र पढ़ते हैं और उसमें कोई ग्रह हमारा नीच का होता है, उच्च का होता है, हम किसी ग्रह का रत्न पहनते हैं, उसका भी यही मतलब होता है कि उस ग्रह से संबंधित एलिमेंट हमें आपकी बॉडी में बढ़ाना है या घटाना है। मैंने पहले भी आपसे कहा था, आज भी कह रहा हूँ, कोई भी अंगूठी जादू नहीं करती, वो केवल आपसे अच्छी चीज़ें कराती है या आपसे ही जादू करवाती है। किसी का मन बहुत अशांत रहता हो और ज़रूरत पड़ने पर अगर उसे मोती पहनाया जाए तो मोती उसके जीवन में खुशियाँ नहीं लाएगा। मोती का केवल एक ही काम है कि वो आपके मन को शांत रखने की कोशिश करेगा। मन शांत तो ऑटोमेटिक चीज़ें कंट्रोल में आने लगेंगी। तो अभी तक आप समझ गए होंगे कि ये जो भी काम मैं आपसे कह रहा हूँ करने के लिए, ये कहीं ना कहीं आपके एलिमेंट और एनर्जी को प्रभावित कर रहे हैं जिससे आप प्रभावित होते हैं। चंद्रमा, शुक्र और गुरु, तीन चीज़ें, तीन ग्रह और तीन ग्रहों के ये तीन उपाय। मुझे नहीं लगता कि ये उपाय करने के लिए आपको कोई बहुत विशेष परेशानी होगी या कोई बहुत ज़्यादा खर्च होगा, ऐसा नहीं होगा, लेकिन आप इसे करके देखिए। धीरे धीरे आप खुद पाएंगे कि अचानक से पैसा ओवरफ्लो की तरह खर्च हो जाना, पैसा आना कम खर्च ज़्यादा होना, बिना प्लानिंग के अचानक खर्चे आ जाना, चीज़ों को मैनेज न कर पाना, अपने ही आमदनी और खर्चों में नियंत्रण न रख पाना, हमारा दूसरों से किस प्रकार का व्यवहार है, हमें दूसरे किस तरह से ट्रीट करते हैं या हम दूसरों को किस तरह से ट्रीट करते हैं, वगैरह वगैरह, इन चीज़ों को आप देखेंगे कि किस तरह से जल्दी जल्दी आपकी लाइफ में प्रभावित हो रही हैं। जो गुरु का मैंने कच्ची हल्दी का आपको प्रयोग बताया, ये कच्ची हल्दी का प्रयोग आप करिएगा, आप खुद देखिएगा कि आपके कुछ दिनों बाद ही आपके सोचने में एक ज़बरदस्त तरीके का अंतर आने लगेगा, क्योंकि अब गुरु का इंटरफेरेंस हो गया आपकी वाइब पर, आपकी एनर्जी पर, आपके ऑरा पर। और गुरु धन के कारक होने के साथ साथ भाग्य के, संतान के भी कारक होते हैं। अब भाग्य साथ देने लगे, धन आपके पास हो, और क्या चाहिए। ये कुछ छोटे से उपाय हैं जिन्हें वास्तुशास्त्र में, एक जो है वास्तुशास्त्र के अंतर्गत ये उपाय आते हैं, और मुझे लगता है कि मुझे लगा कि ये चीज़ आपसे शेयर करनी चाहिए, क्योंकि जिन लोगों को ये करने के लिए कहा गया उन्होंने इसमें बहुत अच्छी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने यही कहा कि हाँ, ये चीज़ जो है असर करती है हमारे ऊपर, एटलीस्ट ये असर कर रही है, तो आपको इसे करना चाहिए। एक चीज़ और, चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में चाहे कितने ही अच्छे हों, चाहे कितने ही खराब हों, कभी भी पानी वेस्ट मत करिए। पानी जो होता है वो चंद्रमा को दिखाता है। अगर आप पानी को जरूरत से ज़्यादा वेस्ट करते हैं तो इससे चंद्रमा खराब होता है। तो ये एक चीज़ आपको अपनी आदतों में और शामिल करनी है कि जब भी आपका चंद्रमा अगर कुंडली में अच्छा है या खराब भी है, पानी को कभी वेस्ट मत करिए। पानी को जितना बचा कर चलेंगे, चंद्रमा आपको आपकी कुंडली में उतना ही अच्छा रिजल्ट देंगे। तो इस उपाय को एक बार ज़रूर करके देखिएगा। ये एनर्जीज जो आपके आसपास हैं, ये ज़रूर आपके लिए वर्क करेंगी। एक बहुत अच्छा वास्तुशास्त्र का ये उपाय था जो मुझे लगा कि आपके सामने लाया जा सकता है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। बेल आइकन इसलिए क्योंकि जब भी कोई नया वीडियो इस चैनल में पोस्ट किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुँच जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।